अगर आप ठीक ठाक YouTube चलाते हो तो आपको तो ये पता ही होगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर YouTube आपको सिल्वर प्ले बटन देता है, 10 लाख पर गोल्डन प्ले बटन, 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स पर डायमंड प्ले बटन और 50 मिलियन यानी कि 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स पर रूबी प्ले बटन। पर क्या आपको पता है कि 10 करोड़ सब्सक्राइबर जो कि हर यूट्यूबर का सपना होता है, उसमें 100 मिलियन सब्सक्राइबर में एक रेड डायमंड प्ले बटन भी मिलता है। और ये सिर्फ आज तक 4 यूट्यूबर्स को मिला है, जो कि है टी सीरीज, प्यूडीपाय, कोकोमेलन टीवी और सेट इंडिया। 2 इसमें से इंडिया के चैनल है, टी सीरीज और सेट इंडिया। और जब सबसे पहले प्यूडीपाय को रेड डायमंड प्ले बटन मिला था तो एक्चुअली में उनके साथ बड़ा वाला स्कैम हो गया था। बेसिकली प्यूडीपाय को आखिर कौन नहीं जानता, सबसे बड़े यूट्यूबर है दुनिया के। इंडिविजुअल की बात करें अगर हम, वैसे भी वो सबसे बड़े यूट्यूबर है। इनको यूट्यूब ने कस्टम प्ले बटन दिया था जो भी इनके 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए थे। इनको ये कस्टम प्ले बटन कुछ ऐसा मिला था जिसको कि रेड डायमंड प्ले बटन कहा जाता है। और जब इन्होंने इसकी अनबॉक्सिंग करी तो सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि एक्चुअली में ये बटन जो प्ले बटन था, रेड डायमंड प्ले बटन, ये टूटा हुआ मिला। कुछ भी, कुछ भी। प्यूडीपाई को ये कस्टम प्ले बटन मिला था जिसमें कि उन्हीं के ही चैनल के लोगों से एक रेड ट्रॉफी मिली थी जो कि बहुत ही अमेजिंग थी। इसी के साथ साथ इन्हें 7 मिनी प्ले बटन्स में मिले थे, रेड डायमंड प्ले बटन के मिनी वर्जन के। और इन्होंने ये घोषित करा था कि इनके 7th ओल्डेस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर्स को ये प्ले बटन वो दे देंगे। इमेजिन करो जो 8th वाला होगा, 8th ओल्डेस्ट एक्टिव सब्सक्राइबर्स, उसका क्या होगा। वेल फ्रेंड्स, प्यूडीपाय का ये कस्टम प्ले बटन तो कुछ भी नहीं। आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज मैं आपको कुछ ऐसे कस्टम प्ले बटन्स दिखाऊंगा कि आप खुद बोलोगे। वीडियो को लास्ट तक तो ज़रूर देखना क्योंकि इसमें एक जाइंट डायमंड प्ले बटन है जो कि एक्चुअली में फेक है, एक सुपर गोल्ड प्ले बटन है और लास्ट में ग्रीन प्ले बटन जो कि इंडिया के ही इंसान को मिला था। इसलिए आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नंबर 2, ग्वावा जूस। बेसिकली एक यूट्यूबर है और इन्होंने ईबे वेबसाइट पे एक डायमंड प्ले बटन देखा। जी हाँ, इन्होंने एक फेक डायमंड प्ले बटन देखा और जल्दी से उसे ऑर्डर कर लिया ईबे वेबसाइट से, जो कि इन्हें 899.99 यानी कि 9000 कैनेडियन डॉलर्स में पड़ा, जो कि US डॉलर्स में अगर हम देखें तो 6747.63 US डॉलर्स का है। इन्होंने ईबे से ख़रीदा था जिसके की बीच में एक बड़ा सा क्रिस्टल है जो कि यूट्यूब का जो लोगो का बटन है उसकी जगह इन्होंने एक बड़ा सा क्रिस्टल लगा रखा है बीच में। साथ ही में ये एक्चुअली डायमंड प्ले बटन का कॉपी जैसा बन रखा है, जैसे कि ताजमहल का कॉपी बीबी का मकबरा है। सेम वैसे ही, बट ये उससे थोड़ा सा साइज में बड़ा है और इसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है और ऐसा लग रहा है चोर बाजार से खरीदा हुआ है। और ये थोड़ा सा महंगा तो है बट रेयर भी है। और उसके बाद इन भाई साहब गौरव जूस को उस वेबसाइट में, गौरव जूस, ग्वावा जूस को उस वेबसाइट में ऐसा कोई डायमंड प्ले बटन नहीं मिला। और इस डायमंड, नकली डायमंड प्ले बटन में कोई भी लोगो नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन एक्चुअली से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब दोस्तों को दिखाने के लिए तो सेम टू सेम है बट एक्चुअली में जो मेहनत का डायमंड प्ले बटन है और दूसरा बिल्कुल अलग है। नंबर 3, डैन टीडीएम। बेसिकली एक गेमर है जिनके 2.57 करोड़ सब्सक्राइबर्स है और बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। इनके पास एक्चुअली में 2 गोल्डन प्ले बटन थे तो इन्होंने क्या सोचा कि एक गोल्ड प्ले बटन को मैं सुपर गोल्ड प्ले बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इन्होंने अपना एक पूरा गोल्ड प्ले बटन लिया और उसको पूरा गोल्ड कर दिया और आप जैसा कि स्क्रीन में देख सकते हो वीडियो बनाई, अपलोड करी और ये सीरियसली सुपर गोल्ड प्ले बटन के नाम से फेमस हो गया क्योंकि ये लिटरली पूरा गोल्ड का लग रहा था, शाइन लग रहा था इसमें, पूरी चमकता हुआ प्ले बटन बहुत ऑसम लग रहा था। और जैसे पहले के गोल्ड प्ले बटन आते थे ना, मतलब ऐसे वाले डिब्बे में, वैसे ही इन्होंने इसको पूरे गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। नंबर 4, बॉबी ड्यूक। यूट्यूब का 2018 में रिवाइंड आया था जिसमें कि 13 मिलियन डिसलाइक्स आए थे। जी हाँ, 1.3 करोड़ डिसलाइक्स यूट्यूब के रिवाइंड में जो कि 2018 में अपलोड हुआ था। और इस आर्टिस्ट भैया ने इसी पर ही यूट्यूब को ही प्ले बटन देने के लिए प्ले बटन बना दिया। अब कुछ सेंस है इस बात का, इसका पता नहीं, बट
13 मिलियन डिसलाइक्स की वजह से इन आर्टिस्ट भैया ने क्या करा, उस डिसलाइक प्ले बटन की कॉपी बनाई, सेम डायमंड प्ले बटन की ही तरह जो यूट्यूब का लोगो है उसकी जरा डिसलाइक का बटन लगा दिया और अच्छा खासा एक डायमंड प्ले बटन बनाया। डिसलाइक प्ले बटन और यूट्यूब के डिब्बे में यूट्यूब को लेटर के साथ यूट्यूब को ही सेंड कर दिया। वाह भाई। नंबर 5 एंड लास्ट, मैक्स चफी विद रॉब। अब इन भैया को तो आप जानते ही होंगे जो कि पोगो में आया करते थे, आपने अपने बचपन में इन्हें ज़रूर देखा होगा, मैंने भी देखा है, DIY चीज़ें ये दिखाया करते थे और इन्होंने अपने लिए खुद बनाए इमर्ज्ड प्ले बटन। अब इनका ऐसा कहना था कि YouTube 8 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए एक प्ले बटन देता नहीं, ये 1 मिलियन के लिए बहुत, 1 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हुए नहीं तो सोच रहे थे कि अब मैं खुद का प्ले बटन बनाऊंगा, इसलिए इन्होंने बनाया ग्रीन प्ले बटन। और 26 जून 2019 में इन्होंने वीडियो अपलोड करी और तगड़ा सा डायमंड प्ले बटन से इंस्पिरेशन लेकर एक ग्रीन प्ले बटन बनाया और क्या ऑसम था वो, सच में ये एक DIY एक्सपर्ट है। वेल, आपको इनमें से सबसे अच्छा कस्टम प्ले बटन कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में।